माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, मुझे पता चला कि हमारे बच्चे आजकल परेशान हैं और ये परेशानी मैं जानती हूँ बहुत स्वाभाविक भी, क्योंकि एक जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं कोविड-19, इसका हम लोग अभी तक पूरी तरह से पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं और स्थिति यह है कि अभी भी बहुत से केसेस दिन प्रतिदिन। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि हम सभी को आपके सेशन की भी चिंता है, आपके एग्जामिनेशन की चिंता है, आपके रिजल्ट्स की भी चिंता है, तो हमें जो शासन से आदेश मिला उसके अनुक्रम में हम लोगों ने एक प्रस्तावित तिथि 10 जुलाई से, मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो एक तिथि दी गई है, एक हम लोगों ने टेंटेटिव एक एग्जामिनेशन बनाई है, यदि स्थितियां सामान्य हो जाती हैं और आपकी सेहत पर, आपकी तबीयत पर और सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम हैं उनको हम लोग पालन करते हुए यदि एग्जामिनेशंस करवा पाएंगे तभी आपके एग्जामिनेशंस होंगे। और इसी के साथ जब तक विश्वविद्यालय को शासन से कोई क्लियर निर्देश नहीं प्राप्त हो जाते हैं कि हमें एग्जामिनेशन कराना है, तब तक हम लोग एग्जामिनेशन नहीं कराएंगे। हम लोगों की ये तैयारी पूरी है। आप सभी को मालूम है कि हम लोगों ने पहले 20 मई से ये एग्जामिनेशन प्रस्तावित किए थे, लेकिन क्योंकि स्थितियां सामान्य नहीं हुई हम लोगों ने एग्जामिनेशन नहीं कराए। उसके बाद एग्जामिनेशन 20 जून से प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन फिर वही स्थिति थी, हम लोग एग्जामिनेशन नहीं कर पाए। आप लोग को ये भी मालूम है कि राज्य सरकार के स्तर पर और भारत सरकार के स्तर पर इस पर गहन चिंतन हो रहा है, और जब हमारी सरकार इस निर्णय पर पहुंच जाएंगी कि एग्जामिनेशन कराना है तब विश्वविद्यालय आपके एग्जाम कराएगा, और यदि सरकार ये सोचती है कि हम लोग कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके आप लोग के पठन पाठन को पूरा कराएं तो विश्वविद्यालय वैसा ही करेगा। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि आप कृपया परेशान न हो, आपकी चिंता हमारी चिंता है, आपकी सेहत हमारी सेहत है, आपकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा है, हम इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे। आप बिल्कुल भी परेशान न हो, आगे आने वाला समय बताएगा इस तरह से। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आप लोग प्रसन्न रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए।